गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं स्माइल से प्रभा आज आपके साथ एक बार फिर से उपस्थित हूँ और स्माइल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने प्राकृतिक संसाधन मृदा और भूमि के बारे में पढ़ा था। आज के वीडियो में हम प्राकृतिक संसाधन जल के बारे में समझेंगे। बच्चों, जल एक बहुत ही महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है और भूमि की पृष्ठ के 3/4 भाग पर जल उपस्थित है, इसीलिए हम पृथ्वी को जल ग्रह भी कह सकते हैं। लगभग 3.5 अरब वर्ष पूर्व जो जीवन की शुरुआत है वो महासागरों से यानी कि जल से ही हुई थी और आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग पर उपस्थित हैं, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के पौधे और जीव जंतु निवास करते हैं। महासागरों का जल लवणीय है यानी कि खारा है, उसमें बहुत अधिक लवण घुले हुए हैं और इसीलिए वह मानव के उपयोग के लिए सही नहीं है। और अलवणीय जल केवल 2.7% ही है। अलवणीय का अर्थ होता है जो खारा ना हो। और ये जो 2.7% जल है, इसका भी 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। केवल 1% ही अलवणीय जल हमारे उपयोग के लिए हमें प्राप्त होता है और ये जो जल होता है ये भौम जल नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। बच्चों, क्या आप जानते हैं एक टपकता नल एक वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ करता है। बच्चों, इससे हमें यह समझ आता है कि कभी भी हमें नल से पानी टपकता हुआ दिखे तो हमें उसे तुरंत बंद करना है और इस प्रकार जल को बचाना है। बच्चों, अलवणीय जल पृथ्वी पर सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है क्योंकि जल से ही जीवन संभव है। पृथ्वी पर ना तो जल बढ़ाया जा सकता है ना ही घटाया जा सकता है, इसकी जो कुल मात्रा होती है वो स्थिर रहती है। पृथ्वी पर यह जल द्रव अवस्था में, भाप के रूप में और बर्फ के रूप में उपस्थित होता है और वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा, वर्षा की क्रिया द्वारा और संघनन की क्रिया के द्वारा यह महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में गतिमान होता रहता है, यानी कि इसका एक चक्र चलता रहता है, इसी को हम जल चक्र कहते हैं। बच्चों, जल का उपयोग दैनिक जीवन के कार्यों के साथ साथ ही उत्पादन प्रक्रिया में भी होता है, जैसे कि कृषि में भी जल की आवश्यकता होती है, उद्योग धंधों में भी जल की आवश्यकता होती है और बांधों में जो पानी के द्वारा बिजली बनाई जाती है उसमें भी जल का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, जल के स्रोतों के सूखने से और जल प्रदूषण होने से जो अलवणीय जल होता है उसकी आपूर्ति में कमी आ जाती है, यानी कि वो हमें उपलब्ध नहीं हो पाता। अब इसके भी मुख्य कारक जो है वो है बढ़ती हुई जनसंख्या और बढ़ते नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर। बच्चों, सौराष्ट्र प्रदेश में 1.25 लाख जनसंख्या वाला अमरेली शहर पास के तालुकों से पानी खरीदने के लिए पूर्णतः निर्भर है, इसी को जल बाजार कहा जाता है। अब है जल उपलब्धता की समस्याएं, कि जल का बहुत अधिक उपयोग और जल स्रोतों के प्रदूषण के कारण भी जल का अभाव होता है। जल संसाधनों का संरक्षण। बच्चों, जल एक नवीकरणीय संसाधन है, फिर भी इसका संरक्षण करना बहुत आवश्यक है, यानी इसे बचाना बहुत आवश्यक है। जो प्रदूषक हैं, इनको जल निकायों में छोड़ने से पहले इनको किसी उपयुक्त विधि के द्वारा शोधित करके और फिर इनको जल निकायों में छोड़ा जाए। इसी प्रकार पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाए जाए। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है, यानी कि जो वाटर हार्वेस्टिंग है, जैसे कि बरसात का जल हम उसे इकट्ठा कर सकते हैं और इस प्रकार हम पृष्ठीय जल को बचा सकते हैं। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र की स्प्रिंकलर से सिंचाई करनी चाहिए, जो कि पानी की बचत भी करती है और बहुत अधिक प्रभावी विधि है। इस वाष्पीकरण के अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि बहुत उपयोगी होती है। सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। बच्चों, इसके साथ साथ हमें भी कुछ प्रयास करने चाहिए, जैसे कि दैनिक जीवन में समझदारी से पानी का उपयोग किया जाए और रिसाइकल विधि से हम पानी का उपयोग करें। बच्चों, अपने घर की छत पर वर्षा जल एकत्र करके इस जल का संग्रहण करना एवं विभिन्न उत्पादक उपयोग में लाना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है
औसतन 2 घंटे की वर्षा का एक दौर 8000 लीटर जल बचाने के लिए काफी है। तो बच्चों, इस प्रकार हम भी वर्षा जल को संग्रहित करके पानी बचाने में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने प्राकृतिक संसाधन जल के बारे में समझा। आप इस वीडियो को देखें, समझें और अपने अनुभव मुझे बताएं। थैंक यू।